हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज करण साळवे। वेलकम टू पीएचपी गुरु चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आपने नई होस्टिंग बाय की है और आपको पता नहीं है कि वेब होस्टिंग पर डेटाबेस कनेक्शन पीएचपी में कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी में डेटाबेस कनेक्शन वेब होस्टिंग पर कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्राउजर ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपका डोमेन नेम डालिए और स्लैश के बाद सी पैनल डालकर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका सी पैनल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको आपका MySQLite डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें डेटाबेसेस में MySQLite डेटाबेस पे जाना होगा। वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस आएगा, तो यहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं test_db.conf डाल देता हूँ और क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे गो बैक पे क्लिक कीजिए। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे जाना होगा और यहाँ पे ऐड न्यू यूजर, यहाँ पे एक यूजर ऐड करना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब शो हो रहा है। आपके यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। यहाँ पे आप यूजर नेम अपना न्यू क्रिएट कीजिए। तो मैं यहाँ पे test_db ही यूजर नेम दे देता हूँ और पासवर्ड आपको जो चाहिए वो यहाँ पे दे दीजिए। अगेन यहाँ पे वही पासवर्ड डाल दीजिए और क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक कीजिए। तो हमारा यूजर भी क्रिएट हो गया। अब गो बैक पे क्लिक कीजिए और अब हमें नीचे और जाना होगा स्क्रॉल कर और यहाँ पे ऐड यूजर टू डेटाबेस करना होगा। यहाँ पे मेरे दूसरे यूजर भी है, अभी हमने जो क्रिएट किया है वो हमें सेलेक्ट करना है test_db.conf और डेटाबेस जो अभी हमने क्रिएट किया है वो है test_db.conf। इस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा कि आपको डेटाबेस को कौन कौन से परमिशन देनी है। तो आप ऑल पे क्लिक कर लीजिए और नीचे मेक चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सब परमिशन डेटाबेस को मिल गई है। आप गो बैक पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे हमारा test_db डेटाबेस क्रिएट हो गया और उसे यूजर test_db.conf हो गया है। तो अब हम जाएंगे बैक। तो अब हमारा MySQLite डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम जाएंगे क्लिक करेंगे फाइल मैनेजर पर और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और नाम देंगे db.php, जहां पर हम डेटाबेस कनेक्शन का कोड करेंगे। तो आप यहाँ पे ये फाइल हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप हमारे डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिख देंगे। तो php स्टार्ट php एंड डॉलर सर्वर नेम लोकल होस्ट, उसके बाद डॉलर यूजर नेम, जो हमने डेटाबेस का यूजर नेम दिया था वो यहाँ पे डालना है। तो मैं डालूंगा मेरा यूजर नेम। इसके बाद डॉलर पासवर्ड, तो यूजर क्रिएट करने के वक्त हमें जो पासवर्ड डाला तो आपको यहाँ पे वो डालना है। इसके बाद डॉलर db नेम यानी डेटाबेस का नेम,
तो जो डेटाबेस का नेम था वो यहाँ पे डालना है। ओके, नाउ डॉलर कनेक्शन का एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और न्यू माई एसक्यूएल आई फंक्शन, फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे सर्वर नेम, उसके बाद डॉलर यूजर नेम, डॉलर पासवर्ड और डॉलर डीबी नेम। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे कनेक्टेड आएगा, और अगर कनेक्शन फेल्ड होता है तो कनेक्शन फेल्ड आएगा। तो यहाँ पे डॉलर कॉन, डॉलर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। कनेक्शन फेल्ड, कनेक्ट एल्स इको कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, हमारा डेटाबेस कनेक्शन का कोड हो गया है, अब सेव कर लेते हैं और अब हम रन कर कर देखते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। तो योर पीएचपी डॉट कॉम, ये मेरा डोमेन नेम, और डीपी डॉट पीएचपी और एंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कनेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो MySQL डेटाबेस कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई एरर आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।